बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सेल के वो कौन से फार्मूले हैं जो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट वगैरह कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और अकाउंट्स वगैरह में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे डेटा है और इसमें हमारे पास जनरल लेजर या फिर अकाउंट नंबर कह लें, कॉलम है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट के अंदर अब जो ट्रैवल एंड कंटमेशन है और इसके अलावा मेल्स एंड एंटरटेनमेंट है और ट्रेड शो है, सैलरी वेजेज है, ऑफिस सप्लाई है, इन सब एक्सपेंसेस जो हैं हर डिपार्ट के, और इसके अलावा मंथ, उनकी वैल्यू मंथ के कॉलम में है। और इसके बाद हमें ये देखना है डिपार्टमेंट आईडी और नेचुरल जो जनरल लेजर है वो। सबसे पहले यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और फिर एक्सपेंस देखने के लिए, यानी जो ट्रैवल एंड एकोमोडेशन है एग्जीक्यूटिव, उसके बाद ट्रेड शो का है एग्जीक्यूटिव, और मील्स एंड एंटरटेनमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, इन सब डिपार्टमेंट की जो हमारी कैटेगरीज हैं, सैलरी है, ऑफिस सप्लाई है, वो इस शीट पे हमें अलग स्ट्रैक करना है, यानी सारा रिकॉर्ड। तो और डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से डिपार्टमेंट 10 जैसे एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट फाइनेंशियल हो गया, उसके बाद अकाउंटिंग डिपार्ट फाइनेंशियल 11 नंबर का हो गया, इसके बाद एचआर डिपार्ट 12, इस तरह से ये नंबर यहाँ लिखे हुए। और जीएल नंबर जो है वो पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और डिपार्ट। तो सबसे पहले नेचुरल जीएल नंबर के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टैक्स पूछ रहा है तो टैक्स के लिए जो ये जीएल नंबर का फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और कितने करेक्टर चाहिए लेफ्ट से। अब लेफ्ट से जो करेक्टर हैं वो हमारे 1001, ये हमारा जनरल लेजर नंबर है, तो इसके लिए हम करेक्टर यहाँ पर बताएंगे कॉमा के बाद 4, एंटर, ड्रैग कर देंगे इसको। उसके बाद डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, फर्स्ट इक्वल राइट, टैक्स में वही फर्स्ट सेल। अब जो एंड का है राइट, यानी राइट से कितने करेक्टर 2 1 0 1 1 1 2, इस तरह से रिपीट हुए मैं। और ये फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा और इस फाइल की इजीली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डाटा बनाना की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, तो इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फाइल के ऊपर। इसको एंटर कर लेंगे तो ये यूनिक डिपार्टमेंट कैटेगरी जैसे एग्जीक्यूटिव है वो 10 है, उसके बाद सेकंड एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारे पास फिर 10 आ रहा है यहाँ पर। और इसको यहाँ पर एक चेंजेस करनी है, मिल्स एंटरटेनमेंट जो फर्स्ट वाली कैटेगरी आ रही है 10, एंटरटेनमेंट, तो ये हो जाएगी। उसके बाद मेल एंटरटेनमेंट, अकाउंटिंग एंटरटेनमेंट, एचआर एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग, ये आ गया। अब यहाँ से जो ये आईडी है वो इधर मैंने लिखी हुई है, जैसे फर्स्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का है फाइनेंशियल, और इनकी जो जीएल अकाउंट है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसे 1021 जो सैलरी एंड वेजेस की आईडी इनकी, अगर हम GL1021 यहाँ पर देखें सैलरी वेजेस कैटेगरी के अंदर, तो ये आ गई एग्जीक्यूटिव 1021। अब यूनिक क्या है, क्योंकि 1021 तो ये सभी की आ रही है, तो इसमें जो 10 होगी ये एग्जीक्यूटिव डिपार्ट के लिए होगी, तो यहाँ पर जो होगी वो डिपार्टमेंट 10। तो इस तरह से जो होगा ये यूनिक आईडी बन जाएगी। और इसके अलावा जो 102 है ये आपको सैलरी एंड वेजेस में भी मिलेगी, और फिर इसके बाद 1001 ट्रैवल एंड एकोमोडेशन एग्जीक्यूटिव डिपार्ट, ये देखें यहाँ पर ये आ गई, इसकी ये फील्ड आ रही है। तो अब हमें इनके एक्सपेंस चेक करने हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे, फर्स्ट जो टेबल बनाई ये टोटल 5 टेबल हैं, एक एग्जीक्यूटिव डिपार्ट है, एक अकाउंटिंग डिपार्ट है, एक एचआर, और इसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद ऑपरेशन डिपार्ट, और लास्ट में आ जाएगा जो टेबल नंबर 15 होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ फर्स्ट टेबल में सबसे पहले कैलकुलेशन होगी, एग्जीक्यूटिव कैलकुलेशन देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल सम इफ्स
ब्रैकेट ओपन सम इफ्स ब्रैकेट ओपन सम रेंज, तो जनवरी का रिकॉर्ड देखना है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जो है वो, तो इसके लिए सम रेंज में हम जाएंगे शीट वन पे और ऑल डेटा जो है जनवरी के कॉलम का इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन में सबसे पहले हमने मंथ का कॉलम ऑल सेलेक्ट किया कॉमा के बाद, तो क्राइटेरिया रेंज वन में जो नेचुरल जर्नल लेजर कॉलम है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा क्राइटेरिया वन, शीट टू पे जाएंगे और ये एग्जीक्यूटिव टेबल जो है इसका जो फर्स्ट सेल आ रहा है इसका जी एल अकाउंट का इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ शीट टू पे हमने क्लिक किया एक्सक्लेमेशन साइन ए थ्री और ये हो गया क्राइटेरिया वन, सेंटेंस लिखा हुआ रहा है क्राइटेरिया वन हो गया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे क्या क्राइटेरिया रेंज टू बताएं, तो क्राइटेरिया रेंज टू के लिए वापस शीट वन पे जाए और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की आईडी हमने बनाई थी अलग इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे कॉमा, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया टू, तो वापस शीट टू पे आ जाएंगे जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं और जो डिपार्टमेंट नंबर है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका सेल एड्रेस आ गया डी वन और इसको कर देंगे एफ फोर एब्सोल्यूट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करके चेक करते हैं, बिल्कुल सही सैलरी एंड वेजेस एग्जीक्यूटिव डिपार्ट फाइनेंशियल की जो है इसके सेल के लास्ट पे आ जाएंगे और ड्रैग कर देंगे इसको और लास्ट में यहाँ एक्सपेंस देखने के लिए ऑल ऑल्टर इक्वल सम की शॉर्टकट की। अब चेक कर लेते हैं सैलरी एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्ट की जो जनवरी की सैलरी है 1021 शीट वन पे जाएंगे यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस एग्जीक्यूटिव 98 जनवरी, देखें यहाँ पर ये जनवरी 98 लिखा हुआ आ गया कॉलम। अब अगर हम फरवरी यहाँ पर करते हैं एंटर, लेकिन इसके लिए हमें डबल क्लिक करके एडिट करना पड़ेगा रेंज को, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेंज बनाई थी सामने ब्रैकेट ओपन के बाद वो जनवरी कॉलम की बनाई थी, तो इसलिए जनवरी का रिकॉर्ड ही शो हो रहा है यहाँ सैलरी वेजेस एग्जीक्यूटिव डिपार्ट जो है, तो ये चेंज नहीं है, तो इसके लिए डबल क्लिक कर लेते हैं जो सी सी आ रहा है, उसके बाद फरवरी की जो रेंज आ रही है वो डी कॉलम है डी कॉलम, तो यहाँ से डबल क्लिक एडिट और यहाँ से सी की जगह कर देंगे डी, एंटर ड्रैग सम करेंगे सम का आंसर आ रहा है यहाँ पर आ जाएंगे। अब सैलरी एंड वेजेस एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर देख लें 81,934 तो बिल्कुल सही, और इस तरह से परसेंट वैल्यू देखने के लिए इक्वल इफ एरर ब्रैकेट ओपन फर्स्ट फरवरी यानी ये जो सेल है सैलरी एंड वेजेस को सिलेक्ट करेंगे डिवाइड टोटल और सी नाइन को हम एफ फोर कर देंगे डॉलर कॉमा वैल्यू इफ एरर में जीरो लगा देंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर, एंटर के बाद ड्रैग और यहाँ से कॉमा पे क्लिक, तो ये हो गया इस तरह से एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का जो फरवरी है जनवरी मार्च है इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इसको। और एक और मैं बता देता हूँ काउंटिंग का करके फार्मूला इसी तरह से आ जाएगा इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन सेकेंड टेबल जो है अकाउंटिंग का, ये मैं दो बता रहा हूँ आपको एग्जीक्यूटिव का और अकाउंटिंग का, बाकी ये फाइल डाउनलोड करके फिर आप खुद बाकी की जो टेबल है इसमें ये फार्मूला इसी तरह से पुट करके देखिएगा, अगर कोई क्यूरी हो या फिर कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चेक कर लेते हैं फिर अगेन सम इफ्स, दो फार्मूले होते हैं एक इफ होता है और एक इफ्स होता है एस लग जाता है, तो यहाँ इफ्स लगा हुआ है। सम रेंज फरवरी है यहाँ पे जाएंगे शीट वन पे और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे फरवरी कॉमा, उसके बाद वही क्राइटेरिया रेंज वन, पहले सम रेंज बताई फिर क्राइटेरिया रेंज वन कॉमा के बाद, यहाँ फार्मूला बार में देख लें फार्मूला शो हो रहा है ठीक है, सम रेंज हो गई फरवरी का कॉलम कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो न्यूट्रल नेचुरल जनरल लेजर है इसको सिलेक्ट किया फिर कॉमा क्राइटेरिया वन, अब जाएंगे अपनी शीट टू पे और यहाँ पे जो फर्स्ट सेल आ रहा है जनरल लेजर अकाउंट नंबर का इसको क्लिक किया फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो इसके लिए जाएंगे शीट वन पे और क्राइटेरिया रेंज टू के अंदर जो डिपार्टमेंट आ रहा है इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा, तो कहेगा क्राइटेरिया टू भी बताएं, सेम वही चीज़ें हैं सारी, सिर्फ सिलेक्शन देखनी है कि कौन सा मंथ लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको सिलेक्शन बनानी है, वापस जाएंगे यहाँ पे और क्राइटेरिया
टू जो है वो ये आईडी है डिपार्टमेंट। पूरा फार्मूला इसी तरह सारे फरवरी यहाँ लिखा हुआ था कि फरवरी देखना है, तो यहाँ पर हमने फरवरी सेलेक्ट किया। बस ये चीज़ का ख्याल रखना है आपको, अगर जनवरी होगा तो जनवरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो सेल एड्रेस है इसको फिक्स करने के लिए F4 कर देंगे डॉलर साइन, और इंटर करके चेक कर लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं इसको। और फरवरी सैलरी वेजेस अकाउंटिंग, फरवरी के सैलरी वेजेस अकाउंटिंग डिपार्ट की जो है वो रही 59,239, बिल्कुल सही आ रही है। और रुपीस फॉर्मेट के लिए ऑल सिलेक्ट, कॉमा स्टाइल पे क्लिक, और इफ एरर, यहाँ पर वैल्यू ये आ गई डिवाइड टोटल से, अभी फार्मूला नहीं लगाया, सम लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। F4 कर देंगे इसको, कॉमा ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ पे ऑल्टर इक्वल, सम की शॉर्टकट की, अब आंसर आ गया यहाँ पे, और इसको भी ड्रैग कर देंगे और कॉमा परसेंट देखने के लिए क्लिक। बाकी टेबल 12, 13, 14 और 15 ये रह गया है, ये आप इस फाइल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके खुद अप्लाई करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये फार्मूला वर्क कर रहा है जिस तरह मैंने बताया, उसी तरह से आप लोगों से भी हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको, और फिर वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।